वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल के 100 एमसीक्यूज के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूँ मैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो फर्स्ट स्लाइड है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेवलपर कौन है, तो कैसे हम लोग जानेंगे? तो यहाँ पे अभी मैं आपको ऑप्शन दूंगा, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का डेवलपर कौन है? चार्ल्स बेबेज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अभी हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्निकल एंड एडुकेशनल रिसर्च। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, बिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज बिट। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हमारा, इन कंप्यूटर सिस्टम वन निम्बल इज इक्वल टू, एक निम्बल किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चार बिट। फोर बिट इज इक्वल टू वन निब्बल होता है और वन निब्बल इज इक्वल टू फोर बिट्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वन बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट बराबर क्या होगा? तो एक बाइट बराबर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, एक बाइट बराबर कितना बिट होता है? एट बिट होता है, और एट बिट बराबर वन बाइट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वह है, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू, सीपीयू में कितना पार्ट होता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या है? मतलब कंप्यूटर जो पूरा सिस्टम है उसमें ब्रेन किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म मैं आपको पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ, जो कि होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, पहला है कीबोर्ड, दूसरा है टैली, तीसरा है एमएस ऑफिस और चौथा है फोटोशॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वह है, हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर, कंप्यूटर का कितना जनरेशन है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है फाइव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहला जनरेशन कब से कब तक था? तो यहाँ पे जो आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1946 से 1959 तक। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें क्या यूज होता था? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केवी, केवी का फुल नेम क्या होता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है, वन केवी इज इक्वल टू, एक केवी किसके बराबर होता है? तो चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1024 बाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर, मेमोरी का कितना टाइप होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल कौन है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका रैम, रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे आपका पहला दिख रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रीड एक्सेस मेमोरी, तीसरा है बोथ वन एंड टू, और
चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? तो पहला है कीबोर्ड, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है माउस और चौथा जो है वह है हमारा ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। तो इसमें से सब होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, और इसका यहाँ पे दिया हुआ है कि सीपीयू में क्या क्या चीज़ यूज होता है। तो रैम प्लस एएलयू लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रोम प्लस सीयू, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एएलयू प्लस सीयू और ऑप्शन डी में लिखा है रैम प्लस रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एएलयू प्लस सीयू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, स्टेपर मोटर। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर का जो मेजरमेंट यूनिट होता है कौन सा इसमें से सही है? तो यहाँ पे जो पहला है MB है, दूसरा GB है और तीसरा KB है और चौथा जो ऑप्शन है वह है ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से सभी होगा, सब क्या है मेमोरी का वैलिड यूनिट है मेजरमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाउ मैनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितना एरो की होता है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी कीज आर देयर इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितना की होता है? तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 104। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, द पार्ट ऑफ सीपीयू विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ALU, मैथ से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होता है वो कौन करता है? ALU करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का एग्जाम्पल क्या होता है? पहला मॉनिटर है, दूसरा प्रिंटर है और तीसरा माउस है और चौथा ऑल ऑफ दिस है। तो सब यहाँ पे क्या है कि हार्डवेयर ही है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फीफो स्टैंड्स फॉर, फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, पहला दिया हुआ है फर्स्ट इंटर फर्स्ट ओपनिंग, दूसरा है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑपरेशन, तीसरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ALU इज ए पार्ट ऑफ मेमोरी, ALU मेमोरी का पार्ट है या नहीं? तो ये तो गलत है, मेमोरी का पार्ट नहीं है, तो फॉल्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, टाइप ऑफ रैम, तो कितने प्रकार के रैम होते हैं? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, पहला एस रैम, दूसरा डी रैम, तीसरा बोथ और चौथा नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, एस रैम और डी रैम इसका एग्जाम्पल होता है। टाइप ऑफ रैम दो प्रकार का होता है तो दोनों होगा, तो इसलिए हम लोग बोथ में टिक मारेंगे, तो ऑप्शन इसका सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन हार्डवेयर वर्क विथ आउट डिवाइस ड्राइवर, क्या कोई भी हार्डवेयर बिना ड्राइवर का कंप्यूटर पे काम करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा फॉल्स, क्योंकि बिना ड्राइवर का कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन, हम लोग माउस से फोल्डर बनाते हैं तो कीबोर्ड से भी तो बनता होगा, तो कैसे बनता है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन उसका शॉर्टकट की होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, कंप्यूटर शट डाउन शॉर्टकट की, जब हम लोग कंप्यूटर को बंद करते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की से बंद करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अल्ट प्लस F4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की, कंप्यूटर को जब हम लोग ऑन करते हैं तो कौन से शॉर्टकट की से रिफ्रेश करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, F5 बटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ OS,
मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, पहला दिख रहा है विंडोज, दूसरा है लिनक्स, तीसरा एमएस-डॉस और चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है एग्जाम्पल वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल क्या होता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, बोथ वन एंड टू। वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम को, एस रैम और डी रैम आता है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का क्या यूज होता है? तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, फॉर अंडू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या यूज होता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, पहला दिख रहा है फॉर टेम्प्रोरी डिलीट, दूसरा है फॉर बैकअप, तीसरा है फॉर परमानेंट डिलीट और चौथा है नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, फॉर परमानेंट डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंट्रोल प्लस सी यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस सी से होता क्या है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कंट्रोल प्लस एक्स यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कट। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का एग्जांपल क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 0 एंड 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बिट्स स्टैंड फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, बाइनरी डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द बी सी डी यूजेस हाउ मेनी बिट। बी सी डी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये भी हम लोग पीछे पढ़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका 6 बिट, ऑप्शन डी। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, रैम एंड रोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ओएस इज द एग्जाम्पल ऑफ। ओएस क्या चीज का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जीमेल स्टैंड्स फॉर। जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, गूगल मेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हाफ बाइट और 4 बिट इज कॉल्ड, कितना होगा? तो यहाँ पे होगा निब्बल। 1 निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्पानेट स्टैंड्स फॉर। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अर्पानेट। हाउ मैनी डेटा कैन बी स्टोर इन ए सी डी। सी डी में कितना डेटा स्टोर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 700 MB। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा केस मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, एच डी डी इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश मेमोरी। एच डी डी क्या चीज का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सेकेंडरी। और एच डी डी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंटरनल एच डी डी कंप्यूटर सिस्टम इज। एच डी डी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ रहता है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा फिक्स्ड। हार्ड डिस्क क्या होता है? कंप्यूटर में फिक्स्ड किया हुआ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इज। आईपी एड्रेस का लेंथ कितना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैक स्टैंड्स फॉर।
मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज, मैक एड्रेस का कितना लेंथ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 48 बिट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, URL। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, URL स्टैंड फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सेट ऑफ रूल्स इज नॉन एज। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, टॉपोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, द स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, सिंटैक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, कीबोर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ, कीबोर्ड क्या चीज का एग्जाम्पल है? तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस। मॉनिटर इज द एग्जाम्पल ऑफ, मॉनिटर क्या चीज का एग्जाम्पल है? तो चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, मेमोरी भी है, इनपुट और आउटपुट यूनिट भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंक्शन की आर देयर ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितना फंक्शन की होता है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 12। उसके बाद नेक्स्ट दिया है, रैम एंड रोम आर द एग्जाम्पल ऑफ, रैम और रोम क्या चीज का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्पीकर क्या चीज का एग्जाम्पल है? तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, टेलीफोन नेटवर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका फुल डुप्लेक्स। उसके बाद वॉकी टॉकी इज एन द एग्जाम्पल ऑफ, वॉकी टॉकी क्या चीज का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हाप्लेक्स, ऑप्शन बी। विच आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एवर। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इज द स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए, ट्रू, ऑप्शन ए होगा ट्रू। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सीपीयू कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा इनाइक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इनाइक स्टैंड फॉर, इनाइक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इन विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर, तो कौन से जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन विच जनरेशन OS वाज डेवलप्ड, OS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से जनरेशन में डेवलप हुआ था? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इन कंप्यूटर OCR स्टैंड फॉर, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन डी, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ, कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर, कंप्यूटर माउस का क्या चीज में हम लोग यूज करते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑल ऑफ द एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, हु इज द डेवलपर ऑफ माउस, माउस को किसने बनाया था? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, डॉगलस एंजल बर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ IPV6, तो इसका जो करेक्ट
आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 128 बिट, द लेंथ ऑफ IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा नेटवर्क का टाइप है, तो इसमें से जितना भी ऑप्शन आपको दिख रहा है सारा क्या है, नेटवर्क का ही टाइप है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई ऑल ऑफ द एवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हेन वी कन्वर्ट 1100 इन डेसिमल, मतलब 1100 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज रीड राइट मेमोरी, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी रैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, यूपीएस स्टैंड्स फॉर, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 1 TB इज इक्वल टू, 1 TB मतलब 1 TB कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 1000 GB। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नॉन एज, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए VDU। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, VDU स्टैंड्स फॉर, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जो भी यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है TB KB GB MB इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी KB MB GB TB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ा से छोटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी TB GB MB और KB। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर से कोई भी चीज हम प्रिंट निकालेंगे तो वो किस फॉर्म में निकलेगा, तो वो होगा हार्ड कॉपी ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन चार दिख रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी 5th generation। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर 1st generation कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए IBM 1650। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, फुल फॉर्म ऑफ BCD इज, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड, ये लास्ट क्वेश्चन भी है और 100 नंबर क्वेश्चन भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन। तो हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यदि आप प्रेजेंटेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो में जाना 100 MCQ के बारे में, वो भी फंडामेंटल का, तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।